अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आखिरी लास्ट रमज़ान के मज़े ले रहे होंगे और शॉपिंग के भी मज़े ले रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो इफ्तारी की तैयारी चल रही है और बताएं बच्चे जो है ना वो बिल्कुल अब बोर हो गए हैं पकौड़े खा कर और जो है चना चाट खा के तो आज बिल्कुल ही जो है वो अलग ही बना रही थी मैं उनके हिसाब से मैक्रोनी वगैरह। और थोड़ा सा इरादा था क्या कहते हैं कि ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ साथ में ना, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमें पकोड़े नहीं खाने आज। तो बस मैंने यहाँ कुछ चीज़ें मंगवाई थी अपने हस्बैंड से, ऑलिव्स वगैरह थे वो मंगा लिए थे और सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, मतलब ये कि मैक्रोनी में और उसमें लगाओ तो। जाएगा माया, गार्लिक नहीं वाला नहीं लेकर आई थी इस बार, मिलाई थी माया केचप का ये चॉप सॉस पता नहीं क्या है तो ये इसमें डालेंगे, अच्छा फ्लेवर है इसका भी ना, इस तरह से बच्चे खा भी लेते हैं ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है उनको। बस ये हमारी मैक्रोनी जो है ना क्रीमी क्रीमी टाइप की थोड़ी सी बन गई है जो है उसकी। और अब यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा की डेकोरेशन चल रही है, चीज़ें वीज़ें उसमें जो कट करके रखी थी वो लगा रही हूँ मैं। तो बताइएगा आप लोगों में से किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोगों ने बताना है। और मेरी भी जो है वो शॉपिंग तकरीबन बच्चों की तो कंप्लीट हो गई है, मेरी कुछ रह गई है। तो अब देखें ये 28वें रोज़े का व्लॉग है तो 29वें रोज़े को मिलेगा आपको, तो मेरी भी तकरीबन हो चुकी होगी जो थोड़ी बहुत रह गई है। और इंशाल्लाह या तो चांद रात के व्लॉग में या फिर इसी तरह से कल वल में मैं अपनी शॉपिंग और बच्चों की शॉपिंग का व्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड को मैंने कुछ माइक्रोवेव में रखा है, बस अब मेल्ट होनी है इसकी।
अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो खुल गया था और मगरिब की नमाज़ जो है वो मैं पढ़ने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो बस ये रौनकें और ये बरकतें जो हैं वो जाने वाली हैं। अल्लाह ताला अगले साल जो है हमें फिर से रमज़ान की रौनकें और बरकतें दिखाए, आमीन। ये अभी किचन का हाल आप देख सकते हैं, नमाज़ पढ़कर आ गई मैं मगरिब की और अभी हम इसको चुटकी बजाते हैं, साफ करेंगे किचन को पूरा और शाम की चाय बनाएंगे। तो ऐसे करके और ये हमारा जो है वो किचन पूरा साफ हो गया है। ये देखें सारे बर्तन शर्तन जो पड़े थे सब धुल गए हैं और ये हमारी चाय भी यहाँ रेडी हो गई है। हस्बैंड की चाय है, थोड़ी सी कम जो है वो मेरी चाय है। तो यहाँ पर हमारी इफ्तार रूटीन जो है वो एंड होती है और आई होप कि आपको जो है हमारी इफ्तार की रूटीन अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को अब एंड करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिएगा और बस अल्लाह हाफिज़।